कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, जहां देखो वहां कूड़ा, इधर से कूड़ा, उधर से कूड़ा, ऊपर से कूड़ा, खिड़की से कूड़ा, पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के, आगे से कूड़ा, पीछे से भी कूड़ा। अरे कुआ दिन तो अपन ही कहते ना, वो सफाई कर ला तू यार, कूड़ा फिना ला गए, तेरे शर्म को बनी आती होगी। अरे तू भी बता दे भाई, नहीं आपने ये कूड़ा यहाँ पे डाला, ये सरकार ने हमारे एक गाड़ी ये जो चलाई हुई है, ये क्या किस लिए चलाई हुई है, है? ये जगह जगह पे गांव में शहर में नीले रंग का डस्टबिन रखा है, हरे रंग का डस्टबिन रखा है, अलग अलग कूड़ा डालने के लिए। ये इस गंदे कूड़े पे मक्खी बैठेगी और ये आपके घर में जाएगी, आपके खाने पे बैठेगी, और वही खाना आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे, और उससे आप लोग बीमार हो जाओगे। ठीक सा बेटा, मैं सारी बात समझ गई, मैं भी साफ सफाई का ध्यान रखूंगी और लोग का ना भी समझाऊंगी। ठीक है, उल्टा बुआ तू खा ले, उल्टा खा ले, चल मैं बैठ तुम्हारी इसमें। मर गया डॉक्टर साहब, मर गया। क्या हुआ, बैठो डॉक्टर साहब, रात का पेट में दर्द हो रहा है। क्या खाया था आपने रात में? चाउमीन और बर्गर खाया था। अरे ये जंक फूड नहीं खाने चाहिए आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको अच्छे से शुद्ध भोजन करना चाहिए, जो कि आज के दिन आप में से कोई नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, ये आप दवाइयां बाहर से ले लें और आपको आराम मिलेगा जल्दी। ठीक है, चलो मैं दवाई बाहर से ले रहा हूँ। राम राम। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे नमस्कार, देखिए उसकी दिल्ली भी होने वाली है, उसका पेट। आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपका बेटा बहुत ही कमजोर है और कुपोषण का शिकार है। क्या आपने समय समय पर अपना टीकाकरण करवाया और समय समय पर अपना पंजीकरण करवाया था? ना, वो तो नहीं करवाया। क्या आपने एक मौसमी फल खाया था? ना, वो अभी ना खा रहा था। यही तो आप लोग गलतियां करते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर एक महिला अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखेगी तो उनका बेटा भी या उनकी बेटी भी कुपोषण का शिकार होगी, जैसे कि इन्होंने किया। ना तो इन्होंने अपना समय समय पर टीकाकरण करवाया, ना ही अंगनवाड़ी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, ना ही अपना चेकअप करवाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पांचवें से आठवें महीने में टीटी के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, चार बार आपको एंटीनाटिक चेकअप करवाने चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आप आने वाले भविष्य में आपके बच्चे ऐसे ही होंगे। मैं आशा करता हूँ जैसा इन्होंने किया है ये लोग आप ना करें।